अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद हमानिया सहर। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है, इसमें मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, बहुत ही मज़े का, टेस्टी, जूसी और स्पाइसी सा। तो घर में कैसे बनाते हैं, स्टीम कैसे देते हैं, रोस्ट कैसे करते हैं, ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अपने तरीके से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही मेरा पुराना सा डायलॉग कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो फेसबुक से देख रहा है वो फॉलो कर दे, जो कि यूट्यूब से देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बॉल लिया है जिसमें मैं बना रही हूँ स्टीम रोस्ट के मसाले, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने साल्ट लिया है, यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के मैंने हल्दी का डाला है, और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैं रेड चिली पाउडर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चिली थोड़ी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि स्पाइसी सा ही मज़े का लगता है, और कुछ हमारी चिली इतनी हैवी नहीं तेज़। और यहाँ पर मैंने टिक्का मसाले का पैकेट डाला, जो मेरे पास थोड़ा सा पहले खुला पड़ा था, मैंने वो ऐड किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर न्यू भी ओपन करके डाला। तकरीबन ये हाफ से ज़्यादा मसाला था टिक्का मसाला जो मैंने इसमें ऐड किया। और इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर इसमें केचप ऐड की है। यहाँ पर सिरका इसमें हम नहीं डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें कलर ऐड किया, थोड़ा सा फूड कलर, अगर आप चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ यू कैन स्किप, ओके। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है दही। दही जो है ना वो हमारा थिक होना चाहिए, यहाँ पर पतला दही लेंगे ना तो वो हमारी जो मसाला बनेगा ना वो उसके ऊपर ठहरेगा नहीं, उतर जाएगा। यहाँ पर दही जितना थिक हो सके आप उतना ही थिक लें, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक, जिंजर और चिली का पेस्ट ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून भर के जो है ना वो मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। सिरका इसलिए नहीं डाला कि वो इतने खटास नहीं होती, लेमन में थोड़ी ज़्यादा होती है तो ये चटपटा सा फिर बनता है। तो इस सब मटेरियल को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका बिल्कुल ना स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है मिक्स करके। अच्छा, उसके बाद जो मैंने चिकन लिए ना, यहाँ पर चिकन के ना मेरे पास बड़े बड़े पीसेस मैंने कटवाए थे जिसमें मैंने खुद से ही कट लगाए हैं। चेस्ट पीस ले लें आप, वो लेग पीस था, कुछ भी ले लें, बड़े बड़े पीसेस, ठीक है ना, स्टीम रोस्ट के लिए। और इसमें कट लगा लें अच्छे से, और सिंपल यहाँ पर मैं नाइफ के साथ यहाँ पर इसमें कट लगाए हैं। अच्छा, इसके बाद कट लगाने के बाद मैंने इसमें भर भर के जो मैंने मसाला बनाया था ना वो मैंने अच्छी तरह इसके अंदर, बाहर और जो कट लगाए हुए निशान उसके अंदर भी मैंने अच्छी तरह से इसको फुल भरना है। हमारा मसाले की कोटिंग जितनी अच्छी होगी ना उतना ही ये हमारा टेस्टी और स्पाइसी सा बनेगा। मसाला आपने भर भर के लगाना है, यहाँ पर आपने कंजूसी नहीं करनी, मसाला अच्छा सा बना लें और भर भर के इसके अंदर फिलिंग करते जाएँ, जहाँ पर हमने कट लगाए हैं हर जगह अच्छी तरह से मसाले को लगा दें। मसाला लगेगा ना जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ से टेस्ट उठ उठ के आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे चिकन को मसाला लगाने के बाद जो मसाला बच गया वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि और भर के अच्छी तरह से मसाला लग जाए। और जितना ये हमारा चिकन है ना, तकरीबन ये 6 पीसेज हैं, ठीक है ना, 2 kg के करीब बनता है, 6 पीसेज बने थे, और इन सबको मैंने मसाला लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने साइड पर रख देना है, ठीक है ना। इसको 2 घंटे के लिए हमने साइड पर रख दिया, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर जो पतीला लेना ना जिसमें इसको मैंने स्टीम देना, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें 1 लीटर मैंने पानी ऐड किया और बड़ा सा मैंने इसमें स्टैंड रख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है, अदरवाइज आप घर में भी स्टीमर बना सकते हैं, जैसे यहाँ के मैं बना रही हूँ। मैंने एक ढक्कन लिया ना ऐसे जाली वाला जिसमें बहुत बारीक सुराख हो, वो लेना है आपने। अच्छा, बड़े सुराख वाला लेंगे ना तो जो हमारा मसाला है ना वो सारा पानी के अंदर बह जाएगा, इसलिए बारीक मैंने सुराख वाला स्टीमर बनाया। यहाँ पर वो स्टैंड के ऊपर मैंने रखी प्लेट बारीक सुराखों वाली, और उसके ऊपर जो जितने पीसेज थे ना तकरीबन 6 के 6 पीसेज ही इसके ऊपर आ गए हैं। अगर आपके पास इसे ज़्यादा हो तो आप 2 दफ़ा कर लें, वरना ये एक दफ़ा ये सारे 6 पीसेज जो है ना इसके ऊपर आ जाते हैं तकरीबन। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ही ढक्कन दे दिया इस पतीले का, और इसको मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखना, लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के मैंने इसको स्टीम करना है। और इसके ऊपर ना मैंने एक भारी सा ना चीज़ रख दी ताकि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले, ठीक है। स्टीमर जो है ना वो मैंने तकरीबन यहाँ पर इसको 20 मिनट तक ज़्यादा स्टीम किया था, 20 से 25 मिनट आप करके देख लें, चेक कर लें थोड़ा सा इसको कि ये अच्छी तरह से स्टीम हो गया अंदर तक, ये पक गया है, कच्चा हुआ ना हो इसमें, क्योंकि जो हमने रोस्ट करना है वहाँ पर सिर्फ ये ऊपर से रोस्ट होगा, ये गलेगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने तवे के ऊपर डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसको दोनों तरफ से मैंने अच्छे से यहाँ पर रोस्ट कर लेना ताकि इसका कलर भी अच्छा आ जाए और टेस्ट भी अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों से 1 बाय 1 करके रोस्ट करते जाना, और साथ मैंने छोटे स्टोव पर देखें पास ही मैंने कोयला रखा हुआ है ताकि हमारा कोयले वाला टेस्ट आए, स्मोक इसमें जाए कोयले का, और बहुत ही मज़े का ये लगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन के जो पीसेस मैंने स्टीम किए थे मसाला लगा के, इनको सबको मैंने रोस्ट कर लेना है। इसके बाद मैंने इसको प्लेट में रख के ना
और कैसे मैंने इसको कोयले की वो देना स्मोक, ताकि इसके इसके अंदर ना बिल्कुल वो बाजार वाले टेस्ट आए, और बहुत ही मजे का और बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, ये सारे पीसेस मैंने ऐसे स्टीम करके इनको साइड में प्लेट में रख लिए हैं, और ऐसे बड़ी ट्रे में रख लें जिसके ऊपर एक ना फुल बड़ा सा बर्तन आ जाए, ताकि हमारी जो स्मोक है ना वो बाहर ना निकले इसका कोयले का। तो ऐसे मैंने सारे पीसेस इसके ऊपर रख के, तो एक बॉल में ना मैंने सिंपल मैंने जो कोयला हमने फुल गर्म कर लेना, अच्छा कोयला हमारा फुल गर्म हो, कोयले में कच्चापन ना हो, कोयले में कोयला मैंने गर्म किया, और उसको मैंने एक ना कोई सिल्वर की कोई भी आम नॉर्मल घर में जो बॉल होती है वो लें, उसके अंदर मैंने कोयला रखा है, उसमें मैंने डाला है एक चम्मच ऑयल का, और वही पतीला जिसमें मैंने स्टीम किया था फिर वही मुझे बड़ा लगा, फटाफट से मैंने वही ऊपर रख दिया, ताकि इसकी स्टीम जो ना वो सॉरी स्मोक है ना वो अंदर उसके हर जगह ना वो हमारे चिकन के पीसेस को लग जाए, और बहुत ही मज़े का बिल्कुल बाजार जैसा ये टेस्ट बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक की शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।